मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का शनिवार को राजघाट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात 12 बजे बस्ती के पास रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें उनकी पत्नी बीना सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शनिवार को मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों की मौजूदगी में राजघाट पर दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जनपद में एक दुखद घटना हुई। रोड एक्सीडेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल सिंह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। अगर मंदिर में कोई भी किसी काम से जाता था तो वह उस काम को बहुत ही सहजता और सरलता से देखते थे। शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनके मृत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, कर्नल सीपी सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी विनय गौतम एवं नव निर्वाचित सदस्य विधान परिषद और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पर नीचे में पंडित जी ऊपर चला तो नीचे कहाँ गए हुए पंडित जी? श्री मोतीलाल सिंह जी गोरखनाथ मंदिर में जन सामान निवारण अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पोस्टिंग की गई थी, जो गोरखपुर से संबंधित समस्याओं को सुनते थे। उनका निधन कैंप कार्यालय परिवार के लिए, साथ ही गोरखपुर से जुड़े हुए उन लोगों के लिए भी
दुख का विषय है कि जिनकी वो समस्याएं वो सुनते थे, फ़ोन करते थे, तो उनका निधन हमारे लिए सही थी, गोरखनाथ मंदिर और कैंप कार्यालय के अपूर्णीय क्षति है। एक दुखद घटना कल गोरखपुर में हुई, रोड एक्सीडेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो OSD से मोतीलाल सिंह जी, उनका दुखद निधन हुआ। वो एक बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, कोई भी किसी काम के लिए जब जाता था तो सहजता से सरलता से उस काम को देखते थे, उनसे पूछते थे, एक आत्मीय उनका संबंध था। उनका एक दुखद निधन हुआ है, हम सबके पूरे परिवार में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको, उनके मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।